बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंस एंड सिमिलिया क्लिनिक से मेडबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज जो है वो 15 अक्टूबर जो है वो सफ़ेद छड़ी का जो है वो आलमी दिन है, और सफ़ेद छड़ी ज़ाहिर है नबीना अफराद की जो है वो पहचान है, बल्कि इनके रास्ते में आने वाली जो है उसको न सिर्फ हर रुकावट से दूर रखती है बल्कि ये इंडिकेट भी करती है कि ये एक बहुत ही ख़ास शख्सियत है और इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। हेलन केलर से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं और मैट्रिक में भी हमारा एक सबक था इंग्लिश की किताब का, हमने पढ़ा। और हेलन केलर जो है वो उससे किसी ने पूछा कि ये नबीनापन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नबीना इंसान वो नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती, बल्कि नबीना इंसान वो होता है जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो। अगर हम रास्ते में देखते हैं कोई सफ़ेद छड़ी वाली शख्सियत जो है वो गुजर रही है और हम जो अपनी गाड़ी रोक कर अगर उसको रोड जो है वो क्रॉस करा देते हैं या हम उसका ख्याल रखते हैं या अपनी गाड़ी को स्लो कर देते हैं, तो फिर हमें भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी का थोड़ा सा मकसद है। वरना हम में और किसी भी ऐसे इंसान में जिसकी कोई एक एबिलिटी जो है अल्लाह ने ले ली है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसकी वजह कि हम भी सारी ज़िंदगी जो है वो गुजारते रहते हैं, 40-50 साल बाद हमें समझ आती है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही कोई नहीं है, और फिर हमसे बड़ा नबीना जो है वो कौन होगा। एक तो ये कि ये चूँकि बहुत ज़्यादा खसूसी ये अफराद हैं और इनका जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अभी इससे पहले हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि जी ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पर बात की जाए, तो सिंपल बात यह है कि जो नियामत किसी इंसान के पास नहीं होती तो आप उससे पूछें कि वो कितनी बड़ी नियामत है। इवन कि अगर आपको धूप जो है वो लग रही है और आपके पास इवन छतरी नहीं है, तो फिर आप पूछें कि छतरी की अहमियत क्या है। उस इंसान को कभी भी नहीं पता होगा कि जो सायादार दरख्त के नीचे बैठा हुआ है या किसी साय के नीचे जो है वो खड़ा है। सिंपल फार्मूला यही है कि हमारे साथ सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी बनती ही तब है जब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं उसके अंदर जो हैं वो रहते हैं, और वो ज़ाहिर है हर इंसान जो है वो कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ लोगों की जो सोचें हैं वो उनको दूसरों से मुख्तलिफ करती हैं। अब ऐसे कभी नहीं हो सकता कि एक इलाके के रहने वाले सारे लोग जो हैं वो मेरे मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हर इंसान का जो माइंड है वो अलग है और हर इंसान जो अपने हिसाब से चीज़ों को परसीव करता है और उसके मुताबिक जो है वो रिएक्ट करता है। ये जो बात थी सफ़ेद छड़ी के हवाले से, तो स्पेशली आप जो तमाम दोस्त हैं मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए यह दरख्वास्त है कि जो सफ़ेद छड़ी है स्पेशली इसका ज़रूर ख्याल रखें, और जब भी आपके सामने ये आए तो आपको ज़रूर रुक कर एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि अगर मेरी इस तरह आंखें ना होती और मैं इस तरह गुजर रहा होता तो मैं फिर क्या महसूस करता। तो मुझे उम्मीद है कि आपके दिल में हमदर्दी जो है वो आएगी और आप डेफिनेटली जो है वो दूसरों की जो मदद है वो करना पसंद करेंगे। और उसके साथ साथ एक और बात यह है कि कभी कभी किसी भी इंसान के चंद अल्फाज जो हैं वो किसी इंसान की जो ज़िंदगी है उसको तब्दील कर देते हैं, तो आप हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहिए और जो मुस्बत पन है अपना पहलू जो है उसको फैलाती रहिए। इसी से हमारी सोसाइटी जो है वो बेहतर होगी और इसी से हम एक अच्छी सोसाइटी के अंदर जो है वो हमें लगेगा कि हम जिंदा हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल।